भारतीय किसान यूनियन दो धड़ों में बट गई। रविवार को लखनऊ के गन्ना संस्थान सभागार में यूनियन के कार्यकारिणी की बैठक में महेंद्र सिंह टिकैत के दोनों बेटे नरेश टिकैत और राकेश टिकैत को भारतीय किसान यूनियन से बर्खास्त कर दिया गया। नरेश टिकैत को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से भी हटा दिया गया है। बीकेयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे राजेश सिंह चौहान के नेतृत्व में नया किसान संगठन बनाया गया है। राजेश सिंह को बीकेयू अराजनैतिक का नया अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस आने वाले दिनों में अपने सांसदों, विधायकों और सरकार में निर्वाचित पदों पर आस्थीन होने वाले नेताओं के लिए सेवानिवृत्ति की आयु सीमा निर्धारित करेगी और अगले लोकसभा चुनाव में 50% टिकट 50 साल से कम उम्र के युवाओं को दिए जाएंगे। कांग्रेस के चिंतन शिविर के लिए गठित हुई युवा मामलों के समन्वय समिति की जिनकी सिफारिश को पार्टी के नव संकल्प में स्थान मिला है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपनी पत्नी सविता कोविंद के साथ जमैका और सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडाइन्स की 7 दिवसीय यात्रा पर आज रवाना हो गए। राष्ट्रपति 15 से 21 मई तक इन देशों के दौरे पर हैं। इसके साथ ही राष्ट्रपति कोविंद भारत के ऐसे पहले राष्ट्राध्यक्ष बन गए जो इन देशों की दौरा कर रहे हैं। 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को गोरखपुर मंदिर में जनता दर्शन के दौरान ये निर्देश दिए। इस दौरान सीएम ने दूर दराज से आए लोगों की समस्याएं सुनी और जनता की समस्याओं को जल्द से जल्द निराकरण के लिए उन्हें आश्वस्त किया। उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा का पहला सत्र 23 मई से शुरू होगा। विधानसभा का सत्र 31 मई तक चलेगा। सत्र के दौरान 26 मई को योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट लाया जाएगा। सदन में सरकार का बजट वित्त मंत्री सुरेश खन्ना पेश करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि सत्र की शुरुआत 23 मई को राज्यपाल के अभिभाषण से होगी। चुनाव में मिली लगातार हार के बीच कांग्रेस ने राजस्थान के उदयपुर में चिंतन शिविर का आयोजन किया। 3 दिन के इस चिंतन शिविर में तमाम बड़े नेताओं ने हिस्सा लिया, जिसके बाद आखिरी दिन कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस को फिर से खड़ा करने के लिए राहुल गांधी भारत में पदयात्रा करने जा रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस नेता राहुल गांधी अगले साल कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा करेंगे। इसमें अधिकांश यात्रा पदयात्रा होगी। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार ने शनिवार को दावा किया कि कई नेता जल्द ही कांग्रेस छोड़ देंगे। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने शिवसेना पर हमले तेज कर दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी शिवसेना पर जबरदस्त निशाना साधा। राणा ने कहा कि शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे ने पार्टी को जो राह दिखाई थी, उद्धव के नेतृत्व में शिवसेना वो राह भूल चुकी है और अब 10 जनपद के इशारे पर काम कर रही है। अमेरिकी सीनेट में रिपब्लिकन पार्टी के नेता मिच मैकोनल समेत अन्य सीनेटरों के एक प्रतिनिधि मंडल ने शनिवार को अघोषित यात्रा के तहत कीव में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने रूस के साथ युद्ध में यूक्रेन के प्रति अमेरिकी एकजुटता जाहिर की। श्रीलंका में प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा का मामला अदालत तक पहुंच चुका है। कोलंबो कोर्ट में एक वकील ने याचिका दायर कर पूर्व प्रधानमंत्री समेत 7 की गिरफ्तारी की मांग की है। वकील ने याचिका में कहा कि सीआईडी को पूर्व प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे समेत 7 लोगों की गिरफ्तारी के तुरंत आदेश दे दिए जाएं। वीडियो डेस्क amarujala.com amarujala.com डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।